ये जो है ना ये कोरेल्स हैं। आखिर में ये सबसे अब देखा कि वहाँ पे अली ने खा लिया अब बस इतना ही खा सकते हैं। चेक कियेगा इसने हाथ किसके डाले? आपके या मेरे? ऐसे ही डालना है। thank mm -hmm. you बिसम अल्लाक क्या हाल है आप सब के उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जी पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मौसम के आसार जो हैं वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं लग रहे तो आप देख लीजिए कि अगले दिन से जो है वो किस कदर धुआंधार बर्फ़बारी हुई और हमारे पास जो है वो माशाल्लाह फिर से बर्फ़ की जो है वो रेल पेल हो गई है और उम्मीद है कि वो सब लोग जो बर्फ़ को देखना पसंद करते हैं और मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि आप बहुत सारे शॉट्स लिया करें स्नो के और हमें दिखाया करें तो वो आज खुश हो जाएंगे और जी इंट्रो से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार और जबरदस्त होने वाला है आज के व्लॉग में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी होपफुली आपको पसंद आएंगी और जी ये पत्ते मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे तो कितने अकेले अकेले थे और आप देखें बर्फ उनके साथ ही है और यहाँ पे देखें इधर से आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर विंडी है बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंड थी और जी बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी स्टोर और वहाँ से मैंने कुछ बेसिक जात ख़रीदे हैं और उसके बाद जो है वापसी का सफ़र है अपने घर की तरफ और घर जाके जो है वो बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि कल मेरे घर में एक दावत है और दावत है तो आपको पता है कि अकेले आदमी ने जो है ना वो दावत के बहुत काम करने होते हैं तो जी अब स्टार्ट कर दिया मैंने काम और जो गोश्त मैंने आपको दिखाया वो मैंने फजर के टाइम बाहर निकाल दिया था और चिकन को जो है वो मैंने रख दिया है पानी ड्राई होने के लिए और यहाँ पे मैं चिकन टिक्का मसाला जो है वो तैयार कर रही हूँ और इसकी जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत गाढ़ा सा मसाला बनाया है और सुपर स्पाइसी मतलब सुपर स्पाइसी इन द सेंस कि आपने इतना ज़्यादा चिकन इसके अंदर डालना है कि अगर इसमें आप मिर्चों का लेवल कम रखेंगे तो चिकन अंदर से बहुत फीका रहेगा और जी जो दूसरा चिकन आपको मैंने दिखाया था जिसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा था वो था बिरयानी का मसाला उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चिकन को तेज़ आंच पे आप फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से जब उसका पानी खुश्क हो जाए उसके अंदर आपने दही टमाटर टोमेटो पेस्ट आपको पता है मुझे पसंद है वो डाला बिरयानी का मसाला डाला और उसको वहाँ पर पकने के लिए रख दिया और यहाँ पे जो है वो मैंने आलू के अंदर नमक डाला है और मैं कलर के लिए डालूंगी थोड़ी सी हल्दी आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं अमूमन लोग बॉईल करके आलू डालते हैं बिरयानी के अंदर जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आलू जो है ना बड़े बदतमीज़ -बड़ होते हैं पता ही नहीं चलता कब गले और कब ना गले कभी कभी गोश्त गल जाता है आलू नहीं गलते तो ये तरीका बहुत अच्छा है और जी यहाँ पर हम जो है वो बीफ उसको तेज़ आँच पर जो है वो फ्राई होने के लिए रख देंगे और इसका बाकी काम जो है वो मैं बाद में करूँगी जब तक चिकन बिरयानी तैयार हो रही है उसका मसाला साथ साथ मैंने कीमे को धोया और उसको भी जो है वो फ्रिज में रख दिया यूजुअली मैं फ़्रिज में इस तरह से रखती नहीं हूँ मगर इसलिए रखा क्योंकि मुझे कीमे को ड्राई करना है वो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ड्राई करना है आलू अच्छी तरह से बॉईल हो जाएँ तो फिर आप उसको बिरयानी के अंदर डाल के यानी कि बिरयानी के मसाले में डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे ज़रूर रखें वरना आलू अंदर से बिल्कुल फीके लगते हैं और जी बस हमने यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी बना लिया है जैसे ही फाइनल हुआ उस वक्त तक जो है वो बच्चों की वापसी का टाइम हो गया था तो मैं बच्चों को लेने के लिए ले स्कूल गई थी और आप देख लीजिए कि दरख्त पे कितनी प्यारी बर्फ़ जमी हुई है और आपको देख के भी अच्छा लग रहा होगा जितना मर्ज़ी आपके पास काम हो आपके बच्चे जो है वो अपना एडवेंचर पूरा ज़रूर करेंगे तो जी बच्चों को खाना पीना खिला के फ़ारि हो के मैंने सोचा कि मीठे बना लिए जाएं दावत के मीठे हमेशा एक दिन पहले बनाएं आज हम बना रहे हैं थोड़ी सी सस्ते वाली दूध दुलारी यूजुअली लोग दूध दुलारी बनाते हैं उसके अंदर कंडेंस मिल्क डालते हैं खोया डालते हैं पता नहीं क्या कुछ डालते हैं मैंने एक तरफ़ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है उसमें मैंने दो चम्मच कस्टर्ड जो है वो घोल के रखे हैं पहले मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी ताकि दूध मीठा हो जाए उसके अलावा आपने देखा कि मैंने जो कलरफुल सवैया हैं वो बॉयल होने के लिए रख दी हैं जैसे ही वो सवैयाँ गल जाएँ तो आपने उनको पानी से बाहर निकाल लेना है उतने टाइम में जो है वो दूध बॉयल होने लगेगा उसमें आपने दो चम्मच कस्टर्ड डाल देना है दो से तीन चम्मच बिल्कुल भी टेम्प्ट मत हो कि हमने बहुत गाढ़ा कस्टर्ड बनाना है कस्टर्ड को आपने बिल्कुल पतला रखना है उसके अंदर आप सवैयाँ शामिल कर दीजिए और उसके बाद जो है वो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपनी मर्जी के कलर की जो है वो जे जेलीस को जमा लीजिए मैंने सोचा था कि मैं ऑरेंज रेड और ग्रीन जमाऊंगी लेकिन जो ऑरेंज है वो डिफरेंट ब्रांड की होने की वजह से तकरीबन रेड ही लग रही है लेकिन वो है ऑरेंज और ये देख लीजिए बाहर शाम हो गई है और यहाँ पे जो है वो हमारे मीठे की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक पूरा टिन है मिक्स फ्रूट कॉकटेल का ये आपने उस वक्त ऐड करना है जब आपका कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा है रूम टम्परेचर पर आ गया ठीक है आपने इसका सारा सिरप जो है वो निकाल देना है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ्रूट्स को ऐड करना है उसके अलावा आप इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं नट्स आप अपनी चॉइस के शामिल कर लीजिए इनको बिल्कुल भी मैंने बॉईल नहीं किया है कुछ नहीं किया है ऐसे ही बादाम को मैं डाल रही हूँ आप इस्ताशियो भी डाल सकते हैं चाहे तो कोकोनट के फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आपकी चॉइस है जितना गुड डालेंगे उतना मीठा होगा आप समझते ही हैं इस बात को तो जी बस अब आपने जो है वो नट्स इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आई होप कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आ ही रहा है कि आपने बहुत पतला सा कस्टर्ड बना के और उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है ठंडा होने के बाद जब तक अब वो काम हो रहा है कि जेली जम जाए यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बनाना स्टार्ट कर दिया है अवन मेरा प्री हीटेड है और चॉकलेट केक की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी यूजली मैं एक बड़ा चॉकलेट केक बनाती हूँ उसको सेंटर में से कट कर लेती हूँ पर आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि आसानी की जाए और दो डिफरेंट मोल्ड्स में जो है वो बना लिया जाए ताकि सेम साइज़ के दो केक मुझे मिल जाएँ और मुझे बीच में से ज़्यादा कट ना करना पड़े जब तक केक बेक हो रहा है यहाँ पे मैंने मिठाई के छोटे टुकड़े कर लिए हैं अगर आपको बिल्कुल छोटे छोटे वाले चमचम -चम और गुलाब जामुन मिलते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है मैंने एक गुलाब जामुन और रसगुल्ले के चार चार पीस किए अदरवाइज़ आप सोचे पूरा गुलाब जामुन बड़े साइज़ का आपके मुँह में आ जाए तो अजीब ही लगेगा शायद मीठे की सारी क्रेविंग वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो इसलिए मैंने सोचा छोटे पीसेस डाले जाएँ ताकि खाने में आसान हो और जी यहाँ पे जेली को आपने अच्छी तरह से जो है वो स्क्वेयर्स में काट लेना है हाफ़ ऑफ द जेली आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए और बाकी जो है वो आप सजावट के लिए रख लीजिए अब अगर आपके पास ऐसा कोई क्लियर बोल है तो उसके अंदर बड़े आराम से जो है ना वो आप मज़ेदार सा डिज़ाइन बना के रख सकते हैं अच्छा आप चाहें तो इसके अंदर एक क्रीम का टिन भी डाल सकते हैं या क्रीम का पैक आता है तो वो भी डाल सकते हैं वो रनी हो जाएगा बाद लोग इसमें अवेपोरेटेड मिल्क डालते हैं उससे भी काफ़ी रिच हो जाता है मैंने इसके अंदर क्रीम का छोटा डब्बा डाला था वो ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें और बाज़ लोग इसमें खोया भी डालते हैं और अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप बर्फ़ी भी डाल सकते हैं तो बस ये अब आपकी चॉइस है कि आपके पास जो कुछ है आप इसके अंदर डाल दीजिए अच्छी तरह से कवर करें और फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए ओवरनाइट। बहुत ज़बरदस्त मीठा बनेगा मैं बता रही हूँ आपको चलें जी एक मीठा तो गया फ्रिज में और दूसरा मीठा जो है वो बेक होके बाहर निकल आया है अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए जो है वो वायर रैक पर रख दिया है केक को उल्टा दीजिए इसके पीछे से पाँच मिनट पेपर निकाल दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए आई थिंक आप लोग ये धुआँ देख सकते हैं तो जी जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक इसको फ्रॉस्ट नहीं किया जा सकता इसको ठंडा होने के बाद पैक करके कवर करके मैं रख दूँगी और सुबह इन शाला तला पहला काम ये होगा कि मैंने फ्रॉस्ट करूँगी तो जी यहाँ पर आ गई है बीफ कढ़ाई वो जो बीफ मैंने बहुत अच्छी तरह से स्कूल जाने से पहले भूना था उसके अंदर जो है मैंने दही डाल दिया है टोमेटो पेस्ट डाल दिया है कढ़ाई मसाला डाल दिया है और टमाटर के दो दो टुकड़े करके डाल दिए इससे ये होता है कि टमाटर का छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता है मेरा ख़्याल है आप सबको ये बात पता है बस अब इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है और उसके बाद टमाटर शामिल करने हैं उसमें आपने दो बड़े प्याज फ्राइड प्याज मैं डाल रही हूँ आप नॉर्मल प्याज जो अपने हैं वो फ्राई करके डाल सकते हैं उसके साथ मैंने तीन चिलीज़ डाली हैं थोड़ा सा पानी डाला है बीफ की कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला हो तो मज़ेदार लगता है इसको प्रेशर कुक कर लेंगे तब तक ये गल ना जाए और जी कढ़ाई बन गई है और यहाँ पे जो है वो गिलावटी कबाब की तैयारी हो रही है प्याज को मैंने चॉप कर लिया है उसका पानी मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी इसको वापस से मैं डालूँगी चॉपर में इसमें डालूँगी मैं ब्राउन प्याज और उसके साथ हरी मिर्चें गलावटी कबाब की रेसिपी फुल रेसिपी होम मेरे चैनल पर मौजूद है मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी और यहाँ पर मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट मगर ये गलावटी कबाब मैं बना रही हूँ शान के मसाले से उसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है कीमा मैंने फ़्रिज में 15 मिनट खोल के सिर्फ इसलिए रखा था ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए कीमे को इसके साथ अच्छी तरह से पीस लें सीख कबाब मसाला और बिहारी कबाब मसाला दोनों मसाले को मिला के आपने इसके अंदर डालना है क्वांटिटीज़ वहाँ पे पैकेट पे मेंशन होती है तो आपको आइडिया हो जाएगा तो कीमे को मसाला लगा के डब्बे में रख के जो है वो आप फ्रिज में रख दीजिए कीमे के कबाब जो है वो हम बनाएंगे दावत वाले दिन तो जी वो काम हुआ यहाँ पे मैंने हलीम की दालें धो के भिगो दी हैं और जो बीफ की कढ़ाई अभी हम प्रेशर कुकर में बना रहे थे वो गोश्त गलने के बाद जो है वो मैंने इसको एक खुले बर्तन में निकाल दिया है उसका अच्छी तरह से पानी ड्राई कर देंगे ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा कढ़ाई तैयार है ठंडी हो जाएगी तो डालेंगे इसको फ्रिज में और जी आ गई है दावत की सुबह और सुबह उठते ही आप देखिए कि मैंने किस चीज़ को हाजिरी दी है मैंने हाजिरी दी है अपने केक को केक ठंडा हो गया है बिल्कुल परफेक्ट है इसको मैंने अच्छी तरह से फ्रॉस्ट कर लिया है और देखिए दो सेपरेट पैन में बताया है ना तो लेवल करने के लिए ज़्यादा केक वेस्ट नहीं हुआ बस थोड़ा सा ऊपर से मुझे उतारना पड़ा और जी बस केक तैयार है तो एक लेयर पर मैंने चॉकलेट गनाश लगाया है और उसके ऊपर जो है दूसरा लेयर रख दिया है अब इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो चॉकलेट से कवर कर दूँगी अब भाई होम मेड केक है तो उसकी शक्ल बतानी तो चाहिए कि वो होम मेड है ना तो जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ इसको फ़्लैट करने की उतना फ्लैट होता तो नहीं है लेकिन इसमें एक ट्रिक बहुत अच्छी है गर्म पानी का ग्लास अपने साथ रखें जो अपना स्पैचुला है ना उसको उसमें भिगो भिगोएं टिशू से साफ़ करें और फिर इस पर फेरें तो काफ़ी फ्लैट हो जाएगा काफ़ी स्मूथ लगेगा और जी केक बना के फ्रिज में डाल दिया है और यहाँ पे बन रहा है हमारा नाश्ता याद रखिए दावत वाले दिन जो है वो ज़रूर सुबह में अच्छा नाश्ता करें क्योंकि एक दफ़ा जब आप काम पे लग जाएंगे ना तो आप नाश्ता नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं खा सकते तो जी बस नाश्ता किया और उसके बाद हलीम की तैयारी की हलीम का चिकन अच्छी तरह से हमने भून लिया उसमें हलीम मसाला डाला और जो डालें रात को हमने भिगो के रखी थी वो डाली पानी डाला इंस्टेंट पॉट में रख दिया फ़िफ्टी मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी इस टाइम में कुछ भी गल जाएगा भाई जब तक वो बन रहा है मैं यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप की तैयारी कर रही हूँ आप लोग कहेंगे बहुत सुबह है तो अच्छी बात है ना सुबह सुबह काम से फ़ारिग हो जाए तो प्रेशर कुकर में जो है वो जब तक चिकन कॉर्न सूप का चिकन गलेगा यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कबाब फ्राई करके रख लूँ अभी जो है वो दोपहर के ग्यारह बारह ही बजे हैं लेकिन मैंने सोचा कि कबाब अगर अभी से मैं फ्राई कर लूँगी तो शाम को मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगी और आप देख लीजिए कबाब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मैं इसके अंदर होल बना रही हूँ मेरे पास एक चॉपस्टिक है उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है और इस तरह से घुमा के रख, बना रही हूँ तो इस तरह से छोटे कबाब बनेंगे बड़े बड़े कबाब बनाने ना कोई मुश्किल नहीं है आप बना लें बड़े कबाब मगर अक्सर ये होता है कि वो वेस्ट होते हैं बच्चे पूरे कबाब नहीं खाते जिसको खाने हैं वो दो खा ले तीन खा ले इस तरह से ना ज़ाया नहीं होगा तो जी बस कबाब आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं चाहे तो इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं लेकिन आपको पता है जो मज़ा फ्राइड में है वो किसी और चीज़ में नहीं है लेकिन हेल्दी ऑप्शन बाहर आला आपके लिए ओपन है आप जो मर्ज़ी करें बहुत डेलीकेट कबाब होते हैं ज़रा आहिस्ता हाथ लगाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल घुल भी जाएंगे और टूट भी जाएंगे तो जी कबाब तैयार हो गए और यहाँ पे जो है वो कॉर्न सूप की यखनी जो है वो भी सीटियाँ मार रही थी तो इसका मतलब है कि यखनी भी तैयार है और जी यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं चिकन कोरमे की और वही आप तेल में चिकन को इतना फ्राई करें कि उसका कलर चेंज हो जाए और जो धूप आपको नज़र आ रही थी मैंने सोचा मैं दिखाऊं कि बाहर किस कदर ज़बरदस्त किस्म का सन है यहाँ पे जो सूप था उसमें अंदर जो चिकन था उसको मैंने श्रेड कर लिया है सूप को छान लिया है उसमें डाल दिया मैंने कॉर्न और साथ में डाल दिया है नमक ये काम मेरा तमाम हुआ अब बाकी काम मैं शाम में करूँगी दूसरी तरफ जो है वो कोरमे के अंदर सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और आपने देखा कि मैंने उसके अंदर दही भी शामिल कर दिया है तो मसाला और दही शामिल करने के बाद जो है ना इसको आप अच्छी तरह से भून लीजिए और जब भून जाए तो इसमें तला हुआ प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक करके डाल दें इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त कौरमा तैयार होता है चले जी फिफ्टी एट मिनट गुजर गए हैं और अब हमने खोल के देखा है तो देख लीजिए कि सारा हलीम जो है वो अच्छी तरह से गल गया है अब हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेंड करना है यहाँ पे मैंने जो है वो सैलड काट लिया है और काट के जो है मिक्स करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी अब मैंने सोचा कि मेरा काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है पकाने का लेकिन कोई और चीज़ भी होनी चाहिए तो मेरे पास एक मिक्स बीन का जो है वो डब्बा पड़ा हुआ था मैंने सोचा वो बना दें इसकी पूरी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत बेसिक मसाले हैं और इसके अंदर मैंने जो है वो सारे मसाले और टमाटर दही प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटो पेस्ट सब एक साथ डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया जब तक मसाला अच्छा भून जाए यहाँ पे आप देखें कि कोरमे के ऊपर कोर तरी आ गई है माशाल्लाह बहुत अच्छा पक गया है और ये जो मसाला है आपने अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि जो ये टिन के बीन्स होते हैं ना ये पके पकाए होते हैं मतलब एक तरह से गले हुए होते हैं तो इनको बहुत टाइम नहीं लगता तो मसाला बहुत अच्छा भुन जाए तेल अलग हो जाए तब आप इसके अंदर बीन्स डालें और ये सलाद का पत्ता था जो इसके अंदर गिरा हुआ था पता नहीं कहाँ से पहुँच गया इसमें तशरीफ़ लेकर आ गया तो बस जी बीन को मैंने मिक्स किया अगर आपके पास मिक्स बीन नहीं है तो आप लोबिए के साथ सेम रेसिपी बना सकते हैं चिक पीस के साथ यानी चनों के साथ बना सकते हैं और जी मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं धनिया पाउडर बना लूँ जब से मैंने धनिया ख़ुद से घर में बनाना शुरू किया धनिया पाउडर आप यकीन करें बहुत इकनॉमिकल है बहुत अच्छी स्मेल है ज़रूर धनिया के बीज ला के जो है ना वो घर में ही पीसा करें बाहर से धनिया जो है ना धनिया पाउडर महंगा भी होता है क्वांटिटी भी कम होती है और खुशबू भी वो नहीं होती और जी जब आप पकाने के काम से फारिग हो जाएँ तो आप अपना सेटअप स्टार्ट कर दीजिए सारे बर्तन और सारी डेकोरेशन और जो टेबल की प्लानिंग है उसको आप स्टार्ट कर दें मेहमानों के आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टेबल सेटिंग कैसा होगा आपके पास कौन से बर्तन निकलेंगे एंड टाइम पे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे बहुत मिसमैनेजमेंट होती है तो जी चूँकि ये एक फ़्रेंड्स की दावत है तो इसके लिए मैंने बहुत फैंसी सेटअप नहीं किया लेकिन बाहर ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जिससे मुझे पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है ये बहुत ज़रूरी है ये प्लानिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर हो सके तो एक रात पहले कर लीजिए मैंने जो है वो खाने पकाने से फ़ारक होने के बाद तकरीबन डेढ़ दो बजे के करीब ये पूरा सेटअप किया था प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक दिन पहले से दावत के लिए जो है वो काम करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि दावत के टाइम पे आप बहुत थके हुए ना हों आप भी इंजॉय कर सकें अपने फ्रेंड्स की कंपनी को और खाने को और अच्छा सेटअप कीजिए खूबसूरत सेटअप कीजिए और ऐसा सेटअप कीजिए जो आपके लिए आसान हो चले जी अब जो है वो तकरीबन पाँच बज रहे थे और डिनर के लिए मैंने लोगों को बुलाया था तो मैंने अवन को जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है और इसमें जो है जो चिकन रात को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था उस चिकन को मैं बेक कर रही हूँ और बिरयानी मसाला जो रात में बनाया था उसको गर्म करके चावल बॉइल करके बिरयानी को तह लगा रही हूँ अगर ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाती तो आप सोच ही सकते हैं वीडियो कहाँ जाती है तो जी जब तक बिरयानी दम हो रही है यहाँ पे जो चिकन टिक्के का मैरिनेट था ना जिसमें मैंने इसको मैरिनेट किया था वो दही को मैं अच्छी तरह से आ, क्या कहना चाहिए एवेपरेट कर रही हूँ उसको रिड्यूस कर रही हूँ ताकि उसका एक अच्छा सा मसाला बन जाए तो जी बिरयानी दम पे है चिकन अवन में है और यहाँ पे सोहेरा जो है वो बॉयल अंडों को जो है वो काट रही है उनको स्लाइस कर रही है इसको हम सर्व करेंगे सूप के साथ और जो सूप की यखनी मैंने सुबह बनाई थी उसमें ऑलरेडी मैं कॉर्न और चिकन तो डाल ही चुकी थी बस उसको जो है वो थोड़ा सा सीजनिंग को एडजस्ट किया इसमें कॉनफ्लर डाला थोड़ा सा फेटा व अंडा डाला तो हमारा सूप तैयार है और जो हमारा सैलड था उसके ऊपर मैंने डाल दिया है फ़ैटा चीज़ फेटा चीज फेटा चीज डाल के इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और अब आप अपनी सेटअप की तरफ आ जाइए कि आपने सूप का सेटअप जो है वो एक सेपरेट जगह पे करना है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और खाने का सेटअप जो है वो आप दूसरी जगह पे करें अक्सर लोग जो यूके में रहते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे घर छोटे हैं हमारा किचन छोटा है हमारा डाइनिंग एरिया छोटा है तो उनके लिए मैंने ये वाइड एंगल से आपको एक आ, पूरा नक्शा दिखा दिया है कि हमारे पास भी बहुत बड़ी जगह नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है वो आराम से फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोग जो हैं वो हम यहाँ पर आराम से कैटर कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है बस दावत करने वाले बने जगह से मत घबराएं और जी यहाँ पे हमने हलीम को भी बघाड़ दिया है उस पर हुआ प्याज डाला गरम करके ऊपर से तेल डाला ज़बरदस्त किस्म का हलीम तैयार है इसको मैं स्लो कुकर मोड पे जो है वो बंद करके रख दूँगी ताकि जब हमने सर्व करना है उस वक्त तक ये गर्म रहे तो जी माशाल्लाह मेरे मेहमान आ गए और जैसे ही मेहमान आए तो बस आपको पता है कितनी ठंड है मैंने तो दिखाया ही आपको हमने स्टार्ट कर दिया सूप से तो सूप से बढ़ के स्टार्टर क्या होता है तो जी कराची वाले जो हैं उन्हें पता होगा कि सूप हो सूप के ऊपर बॉईल अंडा हो और उसके ऊपर मिर्चों वाले चिप्स हों तो क्या बात होती है सूप की और जी बस सूप से फारे हुए और साथ ही जो है वो खाना सर्व करना हमने स्टार्ट कर दिया और चूँकि बर्तन पहले से निकाले हुए थे तो आपको पता है ज़िंदगी आसान थी और ये रेसिपी मैं आपको दिखाना और बताना ही गई बिल्कुल ये है अचारी कीमा जिसके अंदर मैंने थोड़े से मटर भी डाले थे तो ये भी बड़ा अच्छा मज़ेदार ड्राई सा एक आइटम बन गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है सब कुछ और गरम गरम खाने के ऊपर ही जो है वो आप उसी वक्त जो है वो धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें डालें और सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है और याद रखें हर चीज़ पे जो है ना वो धनिया नहीं डलता जो कोरमा है उसके ऊपर अदरक डलता है जो कढ़ाई है उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें डलती हैं तो इसी हिसाब से जो है वो चीज़ों को ऊपर से गार्निश कीजिए ये नहीं कि बस एक ही चीज़ हर चीज़ के ऊपर डालते रहें ठीक है ना चिकन बेक करने के बाद जो है मैंने उसको हॉट पॉट्स पर डाल दिया था तो वो डेफ़िनेटली गर्म ही है और अब हम निकालेंगे बिरयानी बिरयानी तो गर्म ही खाने में मज़ा आता है तो जिस वक्त मैंने चिकन को निकाला था तो मैंने एक हॉट सिजलिंग प्लेट जो है ना वो डाल दी थी अवन में ताकि वो गर्म हो जाए और यहाँ पे जो है वो सैलड के अंदर मैं डाल दूँगी इसकी ड्रेसिंग और इसमें है मस्टर्ड हनी ऑलिव ऑयल नमक और काली मिर्च तो जी सैलड ज़बरदस्त सा तैयार है और वो जो चिकन के मैरिनेट का सॉस हमने रिड्यूस किया था ना वो देखे मैंने साथ में भी सर्व किया है और फिर थोड़ा सा चिकन के ऊपर भी ड्रिजल कर देंगे इसमें अच्छी खासी मिर्ची होंगी तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालें जिसको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो ऊपर से और डाल सकता है अच्छा जी जो हलीम हमने बनाया था उसको मैंने किसी और चीज़ में नहीं सर्व किया बल्कि मैंने इंस्टेंट पॉट को ही टेबल पर रख दिया इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है हलीम गर्म का गर्म ही रहेगा और खाने में मज़ा भी आएगा सर्दियों के दिनों में खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो जी जिस हॉट प्लेट का मैं जिक्र कर रही थी सिज़लर का वो ये है ये अवन में रखी हुई थी काफ़ी गर्म है और इसमें से आपको सिज़लिंग साउंड सुनाई दे रही होगी इसको आपने बिल्कुल एंड में करना है ताकि सर्व करने के टाइम पे इसमें से छू छूँ आवाज़ें आ रही हूँ इसमें मैंने प्याज डाला है और उसके बाद जो है ऊपर से कबाब जो है माइक्रोवेव में गर्म करके इसके ऊपर रख दिए सर्व करने के बाद इसके ऊपर से आपने लेमन डालना है थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालना है पुदीना बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है गिलावटी कबाब को और बस जी ये है हमारा फाइनल लुक आपको आज की दावत और उसका मेन्यू कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके बताइए और आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर वक्त खाना पकता रहता है तो जी हाउस जब व्लॉग्स बनाएंगी तो खाने पकाने के ही बनाएंगी और किस चीज़ के बनाएंगी तो इन्जॉय कीजिए हमारे साथ आप ये दावत जैसे ही मैं खाना सर्व करती हूँ साथ ही मैं चाय भी बनने के लिए रख देती हूँ ताकि जल्दी से चाय बन जाए बाय द टाइम आप मीठा खाएंगे उतनी देर में जो है वो चाय भी तैयार हो जाएगी और आप आराम से बैठ के अपने दोस्तों के साथ चाय पी सकते हैं केक के ऊपर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है ताकि उसकी शक्ल खूबसूरत हो जाए और इसके अलावा ये बात है कि मेहमानों को बुलाया करें अपने घर में रहमतों बरकतों के नज़ूल के लिए अल्लाह ताला जो है उस घर में बहुत रहमत नाजिल करता है जिस घर में मेहमान आते हैं अपने दिलों को कुशादा कीजिए आजकल ट्रेंड हो गया है कि लोगों को क्यों बुलाएं उनके लिए काम क्यों करें बाहर जाके ख़ुद ही खाना खा लेंगे ज़रूर खाइए खाना मगर अपने आप को इस नियमत से महरूम मत कीजिए अल्लाह तब के रिस्क में बरकत दे और हमें तोफ़ी दे कि हम अपने घरों के दरवाज़ों को जो है वो अपने प्यारों के लिए खुला रख सकें और उम्मीद है कि जो मेरे देखने वाले हैं उनमें से सब लोग मेरी ही जैसी सोच के होंगे और जी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे और उनके जवाब देने बड़े मुश्किल हो रहे हैं तो मैं सोची हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जो है उनके जवाब दूँ अगर आपके कोई सवाल हैं कोई मैसेज हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए लोगों को आसानियाँ दीजिए अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे चाय का टाइम हो गया है और चाय है तो क्या बात है तो चलें जी फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़